आज हमने बहुत खेला डोरेमोन। हाँ, बहुत मजा आया। घर आ गया। ठीक है, मैं भी आई। डैड आजकल घर बहुत लेट आ रहे हैं। सही कह रहे हो, शायद ऑफिस में उन्हें बहुत काम है। आप कितनी मेहनत करते हैं? ओ नहीं, अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं बचा है। नोबिता, इतनी रात गए, क्या तुम अभी जाग रहे हो? बेटा, क्या बात है डैड? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये लगभग खत्म हो गया है। मुझे रोज रात को ये जूस पीना थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है। बेटा, कोई बात नहीं, जब ये खत्म हो जाएगा तो आप और ले आइएगा। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा जूस है बेटा, मुझे प्रेसिडेंट ने गिफ्ट किया था। ये इतना महंगा है कि मैं ऐसे अपने लिए नहीं खरीद सकता। काश कुछ ऐसा होता जिससे डैड का जूस कभी खत्म ही नहीं होता। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? जूस 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 जूस। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे डैड का जूस कभी खत्म ना हो? बोलो ना। तुम फिक्र मत करो। क्या सच में? सुनिए डैड, डोरेमोन ने कहा कि वो आपका जूस बढ़ा सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपका जूस कभी खत्म नहीं होगा। ये तो कोई सपना सच होने जैसा होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा बेटा। डैड तो बहुत ज्यादा ही खुश थे डोरेमोन। ये तो अच्छी बात है। ठीक है डोरेमोन, जल्दी से जूस बढ़ा दो। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक ही पोशन। ये तुम उन्हें दे दो, फिर वो अंडे देंगे। अंडे? हाँ, वो अंडों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें नदी में छोड़ देंगे। नदी में? इसके बाद वो बड़े हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तब और भी बेहतर लगेंगे। क्या बात है? जरा रुक ही जाओ, तुम मछलियों की बात कर रहे हो ना डोरेमोन? हाँ बिल्कुल, मछलियाँ। मैं तो डैड के लिए जूस बढ़ाने की बात कर रहा था। क्या? डैड के लिए जूस? अरे नहीं, तुम मेरी बात अच्छे से नहीं समझे। अब क्या होगा, मैं तो डैड को वादा कर चुका हूँ। उठ जाइए, जल्दी उठिए। मुझे लगता है आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। मैं उन्हें क्या कहूँगा कि अब नहीं हो सकता। उन्हें बहुत बुरा लगेगा नोबिता। डैड उसके लिए इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनके लिए करना चाहता था। अब और कोई रास्ता नहीं है, जूस के अंडे बनाने होंगे। पर तुम ऐसा कैसे करोगी डोरेमोन, बोलो? जानता हूँ, जूस के अंडे सुनने में अजीब लगता है। क्या? तो अब हम ये एक ही पोशन लेंगे, जूस की बोतल में डालेंगे। नहीं होगा। एक ही पोशन, तो कोशिश करते हैं, शायद काम बन जाए। ये तो सच में अंडे दे रहा है। जल्दी करो, कटोरी लाओ, कटोरी, जल्दी जल्दी लाओ। नजर इसे ले जाता हूँ। क्यों? अंडे आने वाले हैं डैड। क्या कहा, अंडे? हो गया। अरे वाह, ये तो सच में अंडे दे रहा है। मछली के अंडों को बड़ा होने में 2 महीने का समय लगता है, पर एक ही पोशन की मदद से ये काम जल्दी हो जाता है। देखो, जरा देखो तो। क्या बात है, छोटे छोटे जूस के बॉटल। ये कितने प्यारे हैं ना। हमें जाकर इन्हें नदी में छोड़ना होगा और फिर वो समुद्र में चले जाएंगे। फिर बड़े हो जाने पर इस जगह की महक पहचान कर इसी नदी में वापस आएंगे। मुझे तो कोई महक नहीं आ रही है। जूस को तो पता है, संभल कर रहना। तुम्हें समुद्र में वापस आने में कितना वक्त लगेगा डोरेमोन? लगभग 3 दिन लगेंगे नोबिता। कहीं खो मत जाना, लौट कर जरूर आना। ठीक है, मैं चलता हूँ। आज भी देर होगी क्या? काम बहुत ज्यादा है। सुनिए डैड, आज जब आप लौटेंगे तो आपके लिए सरप्राइज होगा। आज रात? ठीक है, बाय। अच्छे से काम कीजिएगा। हेलो शिजुका। आज रात हमें नदी में बहुत कुछ मिलने वाला है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? नदी में? वो भी बहुत कुछ? हाँ। नोबिता, तुम फिर बेकार की बातें कर रहे हो। मुझे नहीं लगता हमें नदी में कुछ भी मिलने वाला है नोबिता।
डोरेमोन ने कहा है बहुत कुछ मिलेगा, समझे? डोरेमोन ने कहा? हाँ सही कहा। चलो हम सब बाहर चलकर कुछ ढूंढते हैं। ये है चारा। क्या कहा मुंबई? हाँ ये जूस के साथ अच्छा लगेगा। और ये देखो मैं चीज भी लेकर आया हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है आज मैं बहुत कुछ पकड़ूंगा। कितनी देर हो गई कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्यों है ना? नो पिता, क्या हमें वाकई इस नदी में कुछ मिलने वाला है? ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये सच में अजीब है। मैं जाकर नदी में देख कर आता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अजीब है, मुझे तो एक भी बॉटल तैरती हुई नहीं दिखी। तुमने हमारे साथ मजाक किया। शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया कि हम यहाँ एक जूस की बॉटल पकड़ने आए हैं। शुरू हो जाओ, चलो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आखिर इस काम को इतना मुश्किल किसने बनाया है? बेकार है। तुम मुझसे कहते क्यों हो? तुम दोनों ऐसे खा रहे हो। कोई बात नहीं, लगता है डैड को आज भी देर हो जाएगी। लगा आ गया। माफ कर दीजिए डैड। हाँ मैं माफ कर दीजिए। आखिर क्या बात हो गई है बच्चों? क्या तुमने कोई गलती की है? हमने आपको वादा किया था कि आपका जूस बढ़ा कर देंगे। वो काम हम कर नहीं पाए। अच्छा। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे लगा तुम कर सकते हो। आपके नहाने का पानी रख दिया है। जाओ तुम सो जाओ वरना तुम स्कूल के लिए जल्दी उठ नहीं पाओगे। जाओ सो जाओ। इसके बाद एक चौंकाने वाली खबर। आज टोक्यो बे में जूस की बोतल जैसे दिखने वाली मछलियों को देखा गया है। वो तो वहाँ के पास है। अगर वो तैयार हो गई है तो उन्हें नदी में वापस आ जाना चाहिए था। पर ऐसा क्यों कि वो वापस नहीं आई डोरेमोन? बताओ। पता नहीं, लगता है ये नदी की गंदगी की वजह से हो रहा है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है कल हम दोनों जाकर नदी साफ करेंगे। ठीक है। वाटर क्लीन करने वाली शिप, इसकी मदद से हम नदी साफ करेंगे। चलो चलो हम भी सफाई करते हैं नोबिता। अब देखते हैं वो वापस आएंगी या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है वो वापस आएंगी। मछलियाँ ठीक से रह सके। मैं कह रही थी कि आपके नहाने का पानी तैयार है।
अरे ये भी ना, रोज रोज इसी तरह सो जाते हैं। कोई बात नहीं, इतनी मेहनत भी तो हमारे लिए ही करते।